देखो यार, अगर तुम लोगों ने अभी तक WWE के आज हुए मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट नहीं देखा है तो गाइज मैं तुम लोग को बता दूं, आज रॉ के मेन इवेंट के ऊपर हमें रे मिस्टेरियो डेमियन प्रिस्ट के सामने देखने को मिले, जहां पर इन दोनों के इस मैच के ओपनिंग के ऊपर ही रे मिस्टेरियो 619 के साथ मैच को जीतने की कोशिश करते गए, बट गाइज डेमियन प्रिस्ट बिग बूट के साथ रे मिस्टेरियो को डिस्ट्रॉय कर देते गए, जिसके बाद के आज इस पूरे मैच के अंदर डेमियन प्रिस्ट ज्यादातर टाइम पर मैच को डोमिनेट कर रहे होते गए, बट गाइज तभी भी सडनली मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर रे मिस्टेरियो टैकल करते हुए 619 हिट कर देते गए, और गाइस इसके बाद मिस्टेरियो उनका फिनिशर हिट करने के लिए टॉप रोप पर जा ही रहते होते गए, तभी यहां पर डेमियन प्रिस्ट चेयर के साथ रे मिस्टेरियो पर अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि ये वाला मैच डिस्क्वालीफाई जाता है, बट गाइस इसके बाद भी डेमियन प्रिस्ट रे मिस्टेरियो पर अटैक कर रहे होते गए, बट गाइस तभी सडनली अरीना के अंदर बैड बनी कैंडो स्टिक के साथ अराइव हो जाते गए, और गाइस इसके बाद रॉ के ऊपर बैड बनी हमें कैंडो स्टिक से यहां पर डेमियन प्रिस्ट के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर बैड बनी के लगातार अटैक करने के बाद बैड बनी ये कहते गए कि बैड बनी अब पोर्टो रुको के अंदर बैकलैश के ऊपर कमेंट्री को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि बैड बनी अब पोर्टो रुके के ऊपर उनके होम टाउन पर डेमियन प्रिस्ट को सबक सिखाने वाले गए, और गायों के एंडिंग के ऊपर बैड बनी ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE के बैकलैश पेपरव्यू के ऊपर बैड बनी डेमियन प्रिस्ट को स्ट्रीट फाइट मैच में फेस करेंगे, और वो WWE में उनका पहला सिंगल मैच रसल करेंगे।